विगत दिनों हुई मूसलाधार बारिश के बाद पिक्चर पैलेस से लंडोर बाजार जाने वाले मुख्य मार्ग पर भूधसाव होने के कारण सड़क का एक भाग टूट गया, जिस कारण मार्ग को आवाजाही के लिए पूर्णतः बंद कर दिया गया है। साथ ही नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया और संबंधित ठेकेदार को शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। वहीं यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है। साथ ही मौके पर PRD और पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। लगभग एक माह तक मार्ग की मरम्मत का कार्य किया जाना है, जिसके लिए मार्ग के दोनों ओर बैरिकेडिंग लगाकर आवाजाही रोक दी गई है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजवीर चौहान ने बताया है कि पूर्व में मार्ग का एक छोटा हिस्सा ढह गया था, जिसका टेंडर कर दिया गया था, लेकिन विगत रात्रि हुई बारिश के बाद मार्ग का अधिकांश भाग टूट गया है। साथ ही नगर पालिका द्वारा ठेकेदार को निर्देशित किया गया है कि शीघ्र कार्य पूरा किया जाए। पूर्व भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने बताया है कि इसकी जानकारी मसूरी विधायक और केंद्रीय मंत्री गणेश जोशी को दे दी गई है और उनके द्वारा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि कार्य को शीघ्र पूरा कर यातायात को सुचारू किया जाए। मेरे तक मार्ग बंद रखा जाएगा, इसको लेकर काफ़ी दिक्कत है लोगों पर, उस पर आपकी प्रति देखिए ये बात सही है कि यहाँ पर ये जो रोड है काफ़ी लंबे समय से धस रही थी और इसकी संज्ञान जो है प्रशासन को था, तो मैं मानता हूँ कि समय रहते यदि इसके जो है इसका ट्रीटमेंट किया जाता तो आज ये इतना बड़ा पुस्ता यहाँ पे नहीं गिरता और जिससे लोगों को बहुत परेशानी हुई है। मैंने माननीय मंत्री और क्षेत्रीय विधायक श्रीमान गणेश जोशी से बात की है, उन्होंने मेरे अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अतिशीघ्र उसका काम शुरू किया जाए और मैं मानता हूँ कि शासन प्रशासन मुस्तैद है। आप देखते हैं कि आपदा का टाइम है और आपदा में अचानक चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन सरकार जहाँ पर भी आपदा आ रही है उसको जो है अतिशीघ्र उस पर जो है काम शुरू कर रही है, ताकि और यही नहीं जो जहाँ पर संभावित एरिया हैं जहाँ पर धस रहे हैं, मैं आपके माध्यम से भी प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि उनको भी चिन्हित करके समय पर उस पर जो है ट्रीटमेंट किया जाए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। सर एक महीने का काफ़ी परेशानियाँ होंगी, तो सर कोई वैकल्पिक व्यवस्था है इसकी? देखिए वैसे तो यहाँ पर जहाँ पर ये धंसा है उसकी वैकल्पिक व्यवस्था, एक रास्ता ऊपर से भी जाता है। मैंने कोतवाल जी से कहा है कि जो ऊपर का हमारा जो दूसरा बाईपास रोड है उसको खाली कराएं ताकि वहाँ से जो है ट्रैफिक जाए, और कोई ना कोई मैं मानता हूँ यहाँ पर जो आएंगे कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था जरूर करेंगे ताकि नीचे से काम भी होता रहे और ऊपर से ट्रैफिक भी चले, ऐसा मैं मानता हूँ कि ऐसा कोई सोल्यूशन हो निकाले। पूर्व में इसमें एक पुस्ता आंशिक रूप से गिरा था, जिसके लिए नगर पालिका द्वारा एक निविदा की गई थी जो कि रेलिंग के साथ पुस्ता मरम्मत का कार्य था, लेकिन कल विगत दो दिनों से बरसात के कारण ये पुस्ता अधिकांश हिस्सा इसका गिर चुका है, जो एक तरीके से आपदा उसमें आ गया है। तो हमने इस मुख्य मार्ग को बफर जोन में घोषित करके यातायात को रोक दिया है और अपने हमारे नगर पालिका के PW विभाग को और ठेकेदार को निर्देश करते हैं तत्काल पुस्ता एवं का निर्माण कार्य कराना शुरू करें। देखिए जिस हिसाब से पुस्ता ढहा है तो इसमें कम से कम एक माह का समय लगेगा, क्योंकि मुख्य मार्ग है, इसको यातायात को हमें रोकना पड़ेगा ताकि कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। वैकल्पिक व्यवस्था इसमें हमारे लंडोर से नगर पालिका वाले जो रोड है यहाँ से रूट को डाइवर्ट किया जाएगा।